एक महीने पहले लगातार हुई बारिश ने सब्जी की रंगत बिगाड़ दी है। ज्यादातर पौधे खराब होने से उत्पादन 25% पर आ गया है। इससे मंडी में आवक कमजोर हो रही है और सब्जियों के भाव आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। केरची में सब्जी 60 से 100 रुपए किलो बिक रही है। कोरोना काल में ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित ना हो, इसलिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में फुटकर सब्जी मंडी लग रही है। अब चौतरा मंडी में सब्जी की आड़त करने वालों का व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है। वहीं पिछले 2 सप्ताह से लगातार सब्जियों के भाव बढ़ने से आम आदमी परेशान है। खेरची में कोई भी सब्जी 60 रुपए किलो से नीचे नहीं है। आलू व टमाटर के भाव भी 40 से 60 रुपए बताए जा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है तो आड़ती धंधा न होने से परेशान है। आवक तो जैसी होना चाहिए सब्जी के अंदर वो नहीं हो पा रही है, कम आवक है क्योंकि किसान अभी सोयाबीन में लगा हुआ हैगा। दूसरी बात जो सब्जियां सीजनल सब्जी सब खत्म हो गई, बाहर से माल बहुत आरिया है और सब्जियों के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। सब्जियों के रेट में समझ लो आप कि मेथी 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो बिक रही है, पत्ता गोभी 30 रुपए किलो बिक रहा है, बैगन 20 रुपए किलो बिक रहा है, आपकी मिर्ची 30 से 40 रुपए किलो बिक रही, कश्मीरी मिर्ची 40-50 रुपए किलो बिक रही हैगी, शिमला मिर्ची 50-60 रुपए किलो हैगी, भिंडी 40 से 50 रुपए किलो है, गिलकी 40 से 50 रुपए किलो, ऐसी सब्जियां सब महंगी हैंगी। और दूसरे शहरों की बनिस्बत इंदौर में फिर भी सस्ती है सब्जी, लेकिन दूसरी जगह पे जो है दूसरे अन्य शहरों के अंदर सब्जियां महंगी है। इसका कारण यही है कि सब्जी की आवक बिल्कुल अभी हल है नहीं, उसकी वजह से मंडी में सब्जी कम आ रही है। साथ ही गिराकी के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है क्योंकि ये मंडी सबसे बड़ी मंडी है और इस मंडी के अंदर क्या आएगा कि 10 से 15 हज़ार आदमी रोज आता है, आज मात्र 2 से 3 हज़ार आदमी आ रही है, खेरची मंडी नहीं लग रही है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन जो है शहर के अंदर जो अवैध मंडियाँ खुल गई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये एक बड़ी मंडी है मध्य प्रदेश की, क्या पूरे भारत में एक नाम रखा था इंदौर मंडी का, लेकिन उसके ऊपर शासन ध्यान नहीं दे रहा है, इस मंडी को ख़त्म करने पर तुला हुआ है।